Welcome to Inside News. This is Jyoti. Let's dive into the details. Shiv Sena UBT leader Priyanka Chaturvedi responded to the charges against Gautam Adani and others in the alleged solar energy contract bribery case, stating the accusations have been proven and there has been a conviction. She expressed a disappointment that Indian investigative agencies did not conduct a free and fair inquiry when the reports first emerged. Chaturvedi criticized the lack of accountability, pointing out that despite allegations of corporate misconduct, SEBI had yet to prove charges against Adani. She also raised concerns about the industrialist's influence, claiming he allegedly spent substantial amounts to secure government contracts which could tarnish India's credibility. It is unfortunate that our nation's reputation is being compromised due to one industrialist, she concluded. वो कुछ भी अनुमान जताए मैं उस पर नहीं चर्चा करना चाहूँगी। ये वो गद्दार लोग हैं जिन्होंने खुद पार्टी के साथ तो गद्दारी की, इन्होंने महाराष्ट्र के साथ गद्दारी की और गद्दारी का खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। ये दो दिन और कॉन्फिडेंट बने रहें, जैसे मैं बार बार कहती आई हूँ, चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, फिर अंधेरी रात का मजा दीपक केसरकर जी जरूर लें। गिरिराज सिंह जी को मैं चुनौती देती हूँ, अगर झारखंड हो या महाराष्ट्र हो, अगर ये श्रेय दे रहे हैं प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जीतेंगे, क्या ये श्रेय प्रधानमंत्री को उनके हारने पर भी मिलेगा? गिरिराज सिंह जी से आप जरूर पूछेगा जिस दिन इलेक्शन रिजल्ट आएंगे कि अब वो किसको दोषी मानते हैं या श्रेय देते हैं। और रही बात घुसपैठिए की, असम बॉर्डर लगा हुआ है बांग्लादेश के साथ, मुख्यमंत्री किसके हैं जो सबसे ज्यादा आग झारखंड में लगा रहे हैं? गृह मंत्री देश के कौन है? अमित शाह जी हैं। बॉर्डर सिक्योर करने की जिम्मेदारी किसकी है? अमित शाह की है। ये लोग वो लोग हैं जो सिर्फ नफरत फैलाकर, झूठी अफवाह परोसकर, झूठे वादे दिखाकर, झूठे इरादे बनाकर जनता का मन जीतने की कोशिश करते हैं। और अब तो धनबल का भी इस्तेमाल होता है, विनोद तावड़े जी का वीडियो पूरे देश ने देखा है। तो मैं बस यही कहूंगी कि अगर श्रेय प्रधानमंत्री को जाता है तो हार का श्रेय भी गिरिराज सिंह जी हिम्मत दिखाएंगे उनके लिए। बिल्कुल, आप देखिए जो ऑडियो क्लिप्स रिलीज हुए, ऑडियो क्लिप्स बकायदा एक चीप फेक एआई ऐप के माध्यम से बनाया गया। जिन्होंने नाना पटोले जी को सुना होगा या जिन्होंने सुप्रिया सूले जी को इतने सालों से सुना होगा, वो जानते होंगे ना उनकी आवाज़ है, ना उनके शब्द हैं, ना उनके बोलने का तौर तरीका है, ना उनका एक्सेंट है। तो इस तरीके से झूठ परोसना, खुद उनके बड़े बड़े मंत्रीगण आकर झूठ फैलाते हैं और खास करके वो विनोद तावड़े जी जो कैश के साथ पाए गए हैं वो ट्वीट करते हैं। यानी कितना आप गिरोगे सरकार जीतने को या सरकार को काबिज करने को? तो ये महाराष्ट्र की जनता देख रही है कि आप लोग एक लाफिंग स्टॉक बन चुके हैं, कि एक इतने बजट आपका खर्च हो गया, इतने पैसे उड़ा दिए हैं कि आप अपनी आईटी टीम को भी पैसे नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए उनको ऐसे चीप ऑडियो क्लिप जनरेट करने पड़ रहे हैं। भारत की छवि तब खराब होती है जब एलजी हो, हमारे संवैधानिक पद पे रहे हुए गवर्नर हो, वो अपनी सीट की जिम्मेदारी, कुर्सी जो मिली है, जो उसके साथ जिम्मेदारी मिली है, उसका पालन करेंगे। जिस तरीके से बार बार वादा जम्मू और कश्मीर की जनता को किया गया और जम्मू और कश्मीर के हितों के खिलाफ काम हुआ है, अभी भी स्टेटहुड बहाल करने के लिए वो जो आतुरता होनी चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको कहा है, वो नहीं दिखाई दे रहा है। तो अगर दूसरों के ऊपर टीका टिप्पणी करने की बजाय अगर सही मायने में जम्मू और कश्मीर के विकास और प्रगति को देखेंगे तो उसको स्टेटहुड बहाल करेंगे। कनाडा की एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि निर्भर की हत्या के बारे में पीएम मोदी जानते हैं। ये कनाडा की यह हालत हो गई है कि पूरी दुनिया उनसे विश्वास खो बैठी है, कनेडियन लीडरशिप पे विश्वास खो बैठी है, यहाँ तक कि कनेडियन प्राइम मिनिस्टर का विश्वास उनकी खुद के पार्टी लीडर्स में नहीं है। तो आए दिन एक नया आरोप बनाते हैं, आए दिन एक नई साजिश करते हैं। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगता है जो एंटी इंडिया थॉट प्रोसेस रखने वाले कनाडा में बैठे हैं वो
उन पे विश्वास जताकर उनको वापस सरकार में बनाने देंगे। वो उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है और मैं नहीं मानती हूँ इस पर हमें ज्यादा टीका टिप्पणी करनी चाहिए, क्योंकि हमारे राष्ट्र में जो भी हुआ है लॉ एंड ऑर्डर एंड इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्डर एंड रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक। देखिए जिस तरीके से आरोप सिद्ध हुए हैं, कन्विक्शन हुआ है, इंडाइटमेंट हुआ है, काश अगर हमारी खुद की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जब इस तरीके की रिपोर्ट सामने आई थी उस पर इन्वेस्टिगेशन करते फ्री एंड फेयर मैनर में करते। एक जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करते हैं, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, उसको ध्यान में रखकर अगर इंडस्ट्रियलिस्ट पे कोई कार्रवाई इन द सेंस कि उनसे कहें नियम कानूनों का पालन करें। पर हमने देखा कैसे एजेंसीज भी उनको डिफेंड करने में लगी हुई थी, सेबी आज तक उन पे आरोप नहीं सिद्ध कर पाई है बल्कि दूसरे कोर्ट्स में वो आरोप सिद्ध हो गए हैं। उन पे कहा जा रहा है लाखों करोड़ों उन्होंने खर्च किए हैं ब्यूरोक्रेसी में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पे कॉन्ट्रैक्ट्स लेने के लिए, सोलर पावर कॉन्ट्रैक्ट्स लिए, और वो उन्होंने इन्वेस्टर्स को यूएस इन्वेस्टर्स में जो बॉन्ड्स थे जिससे वो पैसा कलेक्ट कर रहे थे उन्होंने उसको रिवील नहीं किया है। ये अगर अदानी पे APMP Sanjay Singh slammed the Adani Group following the US prosecutor's charges in the alleged solar energy contract bribery case, stating the Adani Group has brought disrepute to India. He called the matter very serious and urged Prime Minister Narendra Modi to address the issue. Singh demanded that all pending cases against Adani be investigated by an independent agency under Supreme Court monitoring with a full disclosure of any corruption both within and outside the country. When asked about the possibility of a joint parliamentary committee JPC probe, Singh replied the parliament session is beginning. We will hold a meeting and decide on the further strategy. देखिए बार बार हम लोग ये कहते रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के मित्र गौतम अडानी पूरे दुनिया में भारत का नाम मिट्टी में मिलाने में लगे हुए हैं। कभी ऑस्ट्रेलिया से उनके खिलाफ खबरें आती हैं, कभी मॉरिसस से उनके खिलाफ खबरें आती हैं, कभी मलेशिया से उनके खिलाफ खबरें आती हैं, कभी दुबई से उनके खिलाफ खबरें आती हैं। पूरे दुनिया में अडानी ग्रुप ने भारत का नाम मिट्टी में मिलाने में अपनी भूमिका निभाई है, और इसमें मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और देश की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, पूरा देश तो उनके नाम नीलाम कर ही रहे हैं, बाहर भी जाते हैं तो उन्हीं के लिए धंधा दिलाने के बारे में सोचते हैं, उनकी चिंता उसी के बारे में होती है। आप देखिए प्रधानमंत्री की यात्राएं जहां जहां हुई हैं विदेशों की, उन सारी जगहों पे अडानी को ठेका मिला है। भारत में कोयला दे दिया, बिजली दे दिया, पानी दे दिया, गैस दे दिया, रेल दे दिया, सेल दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया, पोर्ट दे दिया, आसमान से लेके पाताल तक, आकाश से लेके पाताल तक सब कुछ दे दिया। और ये जो मामला आया है सामने जिसमें वहां की एक कमीशन ने ये पाया है कि लगभग 265 मिलियन डॉलर की रिश्वत अडानी ने खिलाई है अमेरिका के अंदर कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए, ठेका पाने के लिए, बहुत ही गंभीर मामला है। भारत के प्रधानमंत्री को सामने आकर इसका जवाब देना चाहिए। सेबी का मामला खुलता है अडानी के खिलाफ, प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। हिंडनबर्ग का मामला खुलता है, प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। और अब तो उनके बहुत ही प्यारे दोस्त ट्रंप की सरकार है अमेरिका में, उस सरकार में भी अडानी के खिलाफ यह मामला सामने आया है। प्रधानमंत्री को सामने आके बताना चाहिए, आपने एक ऐसी कंपनी को प्रमोट किया, एक ऐसी कंपनी को बढ़ावा दिया जो पूरी दुनिया में भारत का नाम मिट्टी में मिला रहा है। तो मैं समझता हूं कि अडानी के खिलाफ जितने भी मामले अब तक के पेंडिंग है सबकी जांच सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में एक जांच एजेंसी के द्वारा कराई जानी चाहिए, और जो भी भ्रष्टाचार उन्होंने कर रखा है देश के अंदर और देश के बाहर उसका सच देश के सामने आना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जेपीसी या पार्लियामेंट की भी किस कमेटी की आप लोग मांग करने वाले हैं?
अब वो हम लोग विपक्ष के लोग जब अभी पार्लियामेंट शुरू हो रहा है उस पर बैठक करके आगे की रणनीति तय करेंगे, लेकिन ये जरूर है कि अब ये साबित हो गया कि प्रधानमंत्री इंडिया के लिए नहीं अडानी के लिए काम करते हैं, देश में हो या देश के बाहर। आज अभी चर्चा विचार विमर्श होगा और उसके बाद जो फैसला होगा आपको बताया जाएगा। देखिए आज की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में जो भी चर्चा होगी उसकी आधिकारिक सूचना मीटिंग खत्म होने के बाद आप लोगों को दी जाएगी। मीटिंग की बातें पहले से ही सार्वजनिक करना वो ठीक नहीं। देखिए एग्जिट पोल ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। लोकसभा चुनाव के बाद लगातार उनकी आलोचना हो रही है जो एजेंसियां एग्जिट पोल करती हैं। लेकिन महाराष्ट्र में दो तरह के एग्जिट पोल आए। डॉक्टर मेधा कुलकर्णी, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी महिला मोर्चा, एक्सप्रेस कॉन्फिडेंस इन द फॉर्मेशन ऑफ ए महायुती अलियंस गवर्नमेंट इन द स्टेट फॉलोइंग द 2024 इलेक्शंस। स्पीकिंग अबाउट द एग्जिट पोल्स, कुलकर्णी स्टेटेड, वंस अगेन द महायुती गवर्नमेंट विल बी फॉर्म्ड इन द स्टेट। महायुती विल वर्क फॉर द पीपल ऑफ द स्टेट and the people here want the double engine government, referring to the BJP's governance at both the state and the central levels. मैम, महाराष्ट्र में एक ही फेज में चुनाव संपन्न हुए और जो एग्जिट पोल आए हैं अगर ओवरऑल देखें तो एक बार फिर से महायुति की सरकार बनती नजर आ रही है, क्या कहना है आपका? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी महायुति की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे शिवसेना और अजीत दादा, तीनों पार्टी हमारी एकजुट के काम कर रही थी, अच्छी स्ट्रेटेजी थी और डबल इंजन सरकार लोगों को चाहिए। लाडली बहना उनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन अच्छी तरह से रहेगा और बहुत अच्छी तरह से एग्जिट पोल जितने हैं उससे भी ज्यादा हमारे कैलकुलेशन से तो सीटें अच्छी आएगी। लेकिन जो महाविकास आघाड़ी है वो कह रही है कि सरकार बदलने जा रही है, विश्वासघात किया था महायुति ने, और उनकी गलतफहमी है और दो ही दिन बचे, दो तीन ही दिन बचे, ज्यादा उनका मराठी में हम बोलते कि भ्रमण। मैम, महाराष्ट्र में एक ही फेज में चुनाव संपन्न हुए और जो एग्जिट पोल आए हैं अगर ओवरऑल देखें तो एक बार फिर से महायुति की सरकार बनती नजर आ रही है, क्या कहना है आपका? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी महायुति की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे शिवसेना और अजीत दादा, तीनों पार्टी हमारी एक। Shivsena leader Shaina NC responded to Sanjay Roth's comments on the exit polls, stating Sanjay Roth is right in saying that exit polls are not exact polls, but went on to confidently assert that the Mahayuti government would be formed, your boat has sunk. She remarked referring to Roth's party, adding Mahayuti government is going to be formed 100%, highlighting the successful 2.5-year track record of leaders like Devendra Fadnavis, Eknath Shinde and Ajit Pawar. And she emphasized that the people would vote for progress. She concluded by stressing that it is the politics of performance which works with the younger generation, not the politics of destruction. संजय राउत बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि एग्जिट पोल्स एग्जैक्ट पोल्स हैं ही नहीं, और जिस आधार से एग्जिट पोल ने एमवीए को नंबर्स दिए हैं उससे आधे भी नहीं होंगे उनके। तो मैं उनको ये सलाह दूं कि सर, आपकी नैया तो डूब चुकी है, महायुति की सरकार बनने जा रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी और उबाटा सेना ने सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति की है। मुस्लिम को दबाए रखो, दलित को दबाए रखो और फिर आप प्रगति की बात कैसे कर सकते हैं? जो आप लोगों को अवसर नहीं देने वाले हैं, शिक्षा, सुरक्षा, आत्मनिर्भर नहीं करने वाले हैं, तो आप ऐसे बयानबाजी पे ही उतरेंगे। तो ये स्पर्धा अभी उबाटा सेना और कांग्रेस में है कि कौन ज्यादा खराब बयान दे रहे हैं।
मुझे लगता है कि महायुति की सरकार 100% बनने जा रही है। 2.5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार का, कर दिखाया है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को देखे, एयरपोर्ट्स देखे, बुलेट ट्रेन देखे, रिफाइनरी देखे, कोस्टल रोड, मेट्रो, अतल सेतु, अनगिनत लिस्ट है। और मैं मानती हूं कि लोग प्रगति के लिए ही वोट करेंगे। इट इज द पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस व्हिच वर्क्स विद द यंगर जनरेशन, नॉट द पॉलिटिक्स ऑफ डिस्ट्रक्शन। परफेक्ट। संजय राउत बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि एग्जिट पोल्स एग्जैक्ट पोल्स हैं ही नहीं, और जिस आधार से एग्जिट पोल ने एमवीए को नंबर्स दिए हैं उससे आधे भी नहीं होंगे उनके। तो मैं उनको ये सलाह दूं कि सर आपकी नैया तो डूब चुकी है, महायुति की सरकार बनने जा रही है। देखिए कांग्रेस पार्टी और उबाटा सेना ने सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति की है। मुस्लिम को दबाए रखो, दलित को दबाए रखो और फिर आप प्रगति की बात कैसे कर सकते हैं? जो आप लोगों को अवसर नहीं देने वाले हैं, शिक्षा सुरक्षा आत्मनिर्भर नहीं करने वाले हैं, तो आप ऐसे बयानबाजी पे ही उतरेंगे। तो ये स्पर्धा अभी उबाटा सेना और कांग्रेस में है कि कौन ज्यादा खराब बयान दे रहे हैं। मुझे लगता है कि महायुति की सरकार 100% बनने जा रही है। 2.5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार का, कर दिखाया है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को देखे, एयरपोर्ट्स देखे, बुलेट ट्रेन देखे, रिफाइनरी देखे, कोस्टल रोड, मेट्रो, अतल सेतु, अनगिनत लिस्ट है। और मैं मानती हूं कि लोग प्रगति के लिए ही वोट करेंगे। इट इज द पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस व्हिच वर्क्स विद द यंगर जनरेशन, नॉट द पॉलिटिक्स ऑफ डिस्ट्रक्शन। परफेक्ट। संजय राउत बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि एग्जिट पोल्स एग्जैक्ट पोल्स हैं ही नहीं, और जिस आधार से एग्जिट पोल ने एमवीए को नंबर्स दिए हैं उससे आधे भी नहीं होंगे उनके। तो मैं उनको ये सलाह दूं कि सर आपकी नैया तो डूब चुकी है, महायुति की सरकार बनने जा रही है। देखिए कांग्रेस पार्टी और उबाटा सेना ने सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति की है। मुस्लिम को दबाए रखो, दलित को दबाए रखो और फिर आप प्रगति की बात कैसे कर सकते हैं? जो आप लोगों को अवसर नहीं देने वाले हैं, शिक्षा सुरक्षा आत्मनिर्भर नहीं करने वाले हैं, तो आप ऐसे बयानबाजी पे ही उतरेंगे। तो ये स्पर्धा अभी उबाटा समाजवादी पार्टी लीडर फखरुल हसन चंद रिएक्टेड टू द एग्जिट पोल्स फॉर द 2024 महाराष्ट्र एंड झारखंड असेंबली इलेक्शंस, स्टेटिंग दैट एग्जिट पोल्स ऑफन फेल टू रिफ्लेक्ट द ट्रू मूड ऑफ द इलेक्टोरेट। ही एम्फसाइज्ड दैट द फाइनल रिजल्ट्स विल प्रूव टू बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज बीइंग प्रेडिक्टेड बाय द एग्जिट पोल्स। चंद एक्सप्रेस्ड कॉन्फिडेंस दैट द पीपल ऑफ बोथ स्टेट्स वुड चूज प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ओवर द एग्जिस्टिंग गवर्नेंस, adding that the Samajwadi Party remains optimistic about the electoral outcomes. देखिए एग्जिट पोल के नतीजे कुछ भी दिखाए जाए, समाजवादी पार्टी समझती कि जब लोकसभा चुनाव का परिणाम आया तो जो एग्जिट पोल थे वो सारे के सारे झूठे साबित हुए थे। भाजपा 400 पार का नारा दे रही थी और भारतीय जनता पार्टी बहुमत से दूर हो गई थी। समाजवादी पार्टी को भरोसा है, चाहे महाराष्ट्र की बात हो, झारखंड की बात हो या उत्तर प्रदेश की बात हो, तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ होगा। जब परिणाम सामने आएंगे तो एग्जिट पोल बदल जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा हम पार्टी के गुंडे निर्दोष लोगों को धमका रहे हैं कि अगर वो समाजवादी पार्टी को वोट देंगे तो उन्हें गोली मार दी जाएगी। करहल विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने एक दलित बेटी की हत्या कर दी। समाजवादी पार्टी के लोग महिलाओं के भेष में बुर्का पहनकर वोट डाल रहे हैं, हमने इस बारे में चुनाव आयोग को शिकायत की। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव में जिस तरह से लाठी डंडा और बंदूक के दम पे, प्रशासन के दम पे
इस चुनाव को लड़ने का काम किया, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। लोकतंत्र के लिए उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुआ उस पर बड़े सवालिया निशान है। चुनाव आयोग को इस बारे में सोचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के जहां तक आरोपों का बात है, करहल में एक हत्या की बात है, तो वो काम पुलिस का है। कहीं कानून व्यवस्था का सवाल उठा है तो उसकी विवेचना करने का काम जांच एजेंसी का है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, या वो डिप्टी सीएम का नहीं है कि वो किसी निर्णय पे पहुंच गए हों। तो समाजवादी पार्टी समझती है कि भारतीय जनता पार्टी केवल आरोप लगाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र को शर्मसार करने का काम किया है। समाजवादी पार्टी इन विपरीत परिस्थितियों में भी भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के किसी नियम कानून को मानती नहीं है। प्रशासन ने मतदान पत्र को जिस तरीके से चेक करने का काम किया, मतदाता पत्र को चेक करने का काम किया, जो लोग मतदान के लिए आ रहे थे उनको रोकने का काम किया, वो विजुअल उसके मौजूद हैं, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी केवल आरोप लगा सकती है, झूठी कहानियां गढ़ सकती है। पुलिस वाले ये वीडियो क्लिप शेयर की और जो चुनाव में धांधली का आरोप लगाया, कहा कि भाजपा सरकार के दबाव में जो पुलिस अधिकारी ये ऐसा काम कर रहे हैं, वहीं कुछ अधिकारियों पे कार्रवाई भी की गई शिकायत के बाद। देखिए, समाजवादी पार्टी के दावे और समाजवादी पार्टी की शिकायत पे चुनाव आयोग ने 7 पुलिस कर्मियों के खिलाफ शिकायत की थी, जिन पे कार्रवाई चुनाव आयोग द्वारा की गई। अगर समाजवादी पार्टी के दावों में समाजवादी पार्टी ने जो शिकायत की थी वो सच ना होती तो चुनाव आयोग क्यों कार्रवाई करते? ये साबित हो भारतीय जनता पार्टी प्रशासन का दुरुपयोग कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कुछ अधिकारी काम कर रहे हैं, जिन अधिकारियों ने चुनाव आयोग के निर्देशों को मानने से मना कर दिया। पुलिस के लोग जो पहचान पत्र थी उसके नाम पे रोकने का काम कर रहे थे, बुरखे के नाम पे, घूंघट के नाम पे उत्पीड़न करने का काम कर रहे थे, जिनकी शिकायत समाजवादी पार्टी ने की थी। और हद तो तब हो गई जब महिलाओं पे बंदूक तान दी गई, मतदाताओं पे बंदूक तानने का काम किया गया। तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस संदर्भ में शिकायत। बीजेपी लीडर गोडोर नारायण रेड्डी एक्सप्रेस्ड कॉन्फिडेंस इन द पार्टीज परफॉर्मेंस इन द महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शंस, डिसमिसिंग द प्रेडिक्शंस मेड बाय एग्जिट पोल्स। ही एम्फसाइज्ड दैट द पीपल ऑफ महाराष्ट्र आर डिससैटिस्फाइड विद द करंट गवर्नमेंट एंड आर लुकिंग फॉर चेंज। रेड्डी असर्टेड दैट द बीजेपी लेड अलायंस वुड सिक्योर अ स्ट्रॉन्ग मैंडेट एंड फॉर्म द नेक्स्ट गवर्नमेंट इन द स्टेट। As expected, because see, the country needs BJP party. We have seen decades of rule of Congress and its allies. But after Narendra Modi ji has taken over as a Prime Minister of India, we can all assess. Actually, I was a Kattar congressman, Kattar secularist. Now, I am a Kattar Sanatani and a Bharat Mata ka putra. So, after working in Congress party for 40 years, I have migrated to BJP party only in the interest of the country and the country's people. So the people of this country have really clearly understood that who is the correct person to take our country ahead in every sphere, whether it is development, whether it is self-respect, whether it is recognition, whether it is, you know, what you call it, a welfare to the poor, needy. When the pandemic came, the whole universe was shaking. But Narendra Modi ji stood like a rock of Gibraltar, and he has even gone to the extent of helping almost 150 countries with the vaccines. So Narendra Modi ji is the only future of this country, and definitely the people of this country are behind him only. So the opposition are also raising their hopes in Maharashtra. Also, they have already hoped about Haryana, and they have even gone to the extent of celebrating. But BJP did not. BJP is a very stable party, and it believes in stability and doing the things what is needed for this country and the people of this country. Definitely, I hope that as the exit polls are being predicted, we will get BJP will get much better results than what it has even anticipated also. Thank you, sir. Thank you, sir. Congress leader Surendra Rajput dismissed the exit polls for Maharashtra and Jharkhand.
asserting that they do not accurately reflect the public sentiment. He expressed confidence that the Congress-led alliance will perform better than expected and form the next government in both states. Rajput highlighted that while exit polls often show trends, the true mandate will be clear once the results are announced on November 23. He also pointed out that the Congress commitment to addressing issues like unemployment, farmers' welfare and economic development will resonate with voters. एग्जिट पोल तो आम चुनाव में भी 400 सीटें ला रहा था एनडीए की। एग्जिट पोल तो हरियाणा में हमारी सरकार बनवा रहा था। एग्जिट पोल ना उधर के लिए सही हुआ ना इधर के लिए सही हुआ। हम तो एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं। मैं महाराष्ट्र का प्रभारी था और जनता का जिस तरीके से इन गद्दारों के प्रति एक रवैया था, उससे तो हमें पूर्ण उम्मीद है कि वहां पर इंडिया गठबंधन की यानी महाविकास अघाड़ी की सरकार बन रही है। और जिस तरीके से किसान, नौजवान, महिलाएं परेशान हैं वहां पर, वो लोग कोई भी नहीं चाहता कि महायुति की सरकार बने। सभी लोग महाविकास अघाड़ी की तरफ है। हमारे पूर्ण विश्वास है कि हमारी झारखंड में भी हम दोहराव करेंगे और महाराष्ट्र में हम बदलाव करेंगे। सर, केंद्र की सरकार बनेगी, अब प्रधानमंत्री क्या मुख्यमंत्री बनेंगे जाकर के वहां? गिरिराज सिंह जी, that's the wrap of the Insider News. Keep watching CVR News English.